हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। और अगर आप आज ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पहले वो दो वीडियो देख लियो, इसके बाद ये वीडियो पे आ जाना, ठीक है? तो ये आज का जो वीडियो है ये मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का। तो ऑलरेडी हमने मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन था फर्स्ट क्लास में, और सेकेंड क्लास में आपका मैकेनिकल पार्ट ट्रांसमिशन का जितने सारे कपलिंग्स है वो कपलिंग्स के बारे में था। और आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ऊपर आपको दिख तो रहा है, ये हेडिंग ऑलरेडी है बेल्ट ड्राइव। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट ड्राइव का आज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट ड्राइव, और इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी आता है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? तो पहले मैं बेल्ट ड्राइव पर ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, उसका जो फिगर होता है कैसे, उसके बाद में इसका डेफिनेशन वगैरह और उसका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने बेल्ट ड्राइव। देखो बेल्ट ड्राइव, ये एक पुली है, ये एक पुली है। तो मानिए कि ये आपका जो पुली है ये ड्राइवर पुली है, यहाँ पे लिखा है ड्राइवर, और ये ड्रिवन पुली है, ठीक है? जो ड्राइवर है वही है ड्राइविंग पुली, और जो ड्रिवन है वो फॉलोअर पुली है। फॉलोअर पुली मतलब इसको फॉलो करके ये घूमता है। ऊपर जो है ये बेल्ट लगा हुआ है, तो बेल्ट का एक अनएक्सटेबल सॉरी देखिए बेल्ट क्या है, पुली का ऊपर से ये घूमता है, ठीक है? और जो बेल्ट है ये जॉइंट भी करना पड़ता है, और कुछ कुछ बेल्ट है उसको जॉइंट करना नहीं पड़ता है। तो ये बाद में मैं समझाऊंगा पर्टिकुलर बेल्ट के चैप्टर में। तो पहले तो फिगर आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये बेल्ट है, ठीक है? तो मैं अभी उसका डेफिनेशन पे आता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी बेल्ट ड्राइव ये है, तो मैंने ऑलरेडी देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे है। दिस ड्राइव इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव डिवाइस ऑफ ट्रांसमिटिंग मोशन एंड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर बाय मीन्स ऑफ ए थिन एक्सटेंसिबल बैंड रनिंग ओवर द पुलीज। तो देखिए, दिस ड्राइव इज मोस्ट कॉमन मतलब कि ये मोस्ट कॉमन है, और ये डिवाइस हम कहाँ का यूज करते हैं ना, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। तो जो बेल्ट है ये क्या होता है, इन एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है? और ये कहता है दो पुली के ऊपर से ये रनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेल्ट कैन बी ट्रांसमिट हाउएवर अप टू ए डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेल्ट का जो डिस्टेंस है, हम अगर बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये आपका 10 मीटर होना चाहिए बेल्ट का डिस्टेंस, उसके ऊपर से नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्या, विथ ए मैक्सिमम सरफेस स्पीड क्या रहेगा, 1400 मीटर पर मिनट, इसका सरफेस स्पीड रहेगा। तो वो फ्लैट बेल्ट में रहेगा, अगर आपका वी बेल्ट होगा तो वी बेल्ट में क्या रहेगा, 1500 मीटर पर मिनट। तो अगर देखिए आप फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट के अंदर अगर कंपेयर कर रहे हो, तो आपका फ्लैट बेल्ट का जो सरफेस स्पीड वो कम रहेगा, और वी बेल्ट का सरफेस स्पीड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फ्लैट बेल्ट का लेंथ ज़्यादा हो जाता है और वी बेल्ट का लेंथ कम हो जाता है। इसलिए अगर लेंथ कम होगा तो इसका सरफेस स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम, पर अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो इसका सरफेस स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए फ्लैट बेल्ट में 1400 है, देखो 100 इसका डिफरेंस है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन व्हिच अरेंजमेंट ऑन ऑफ द पुली कॉल्ड ड्राइवर इज माउंटेड ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट व्हाइल द व्हिच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट टू पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द ड्राइवन और फ्लोअर शाफ्ट। देखिए, तो ऑलरेडी मैंने पहले आपको दिखा था इसका फिगर, दो पुली लगा हुआ है, तो दो पुली दो शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके अंदर एक शाफ्ट का है जिसमें ड्राइवर पुली है उसमें ड्राइवर शाफ्ट ही है, और जिसमें ड्राइविन पुली है उसमें क्या है, ड्राइविन शाफ्ट है। तो दो शाफ्ट है, एक है ड्राइविन और एक ड्राइवर, पुली भी दो है, एक ड्राइविन और एक ड्राइवर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द बेल्ट मूव्स ऑन द पुली देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्लिपिंग बिटवीन द बेल्ट एंड द फेसेस ऑफ पुली, हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द मोशन ट्रांसमिट इज नॉट पॉजिटिव। देखिए, जब क्या करते हैं हम पुली के ऊपर से जब बेल्ट मूव्स होता है तो कुछ स्लिप होने का चांसेस रहता है मोस्ट केस में। देखिए, ये पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम सम स्लिपिंग, कुछ स्लिपिंग होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए ये जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है ये परफेक्टली पॉजिटिव ट्रांसमिट नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता, पर मैंने कि जितना पावर देर है उतना पावर नहीं हो रहा है। तो कुछ हमारा
परसेंटेज तो स्लिपेज होता है, तो उसके लिए हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अगर 100% वेलोसिटी रेशियो आएगा तो वो स्लिपेज नहीं होगा, तो इसके बारे में है इस क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर पॉजिटिव ड्राइव इज रिक्वायर्ड गियर और चेन मस्ट बी यूज। तो देखिए हमारा बेल्ट ड्राइव में तो परफेक्टली 100% पावर ट्रांसमिशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्लिप होता है, कुछ क्रिप भी होता है बेल्ट, तो स्लिप क्रिप हो तो बाद में लेके आऊँगा स्लिप क्या है क्रिप क्या है। और अगर हमको पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, माने कि हमको पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, जितना हम पावर दे रहे हैं उतना ही पावर हमको रिक्वायर्ड होगा, तो हमको क्या कौन सा ड्राइव यूज़ करना है, गियर चेन्स ये मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेल्ट इज मेड फ्रॉम लेदर कॉटन रबर एंड एनी सिंथेटिक मटेरियल। तो देखिए ये बेल्ट के बारे में एक पर्टिकुलर में क्लास लाऊंगा, जो बेल्ट क्या है, बेल्टिंग टोटल बेल्ट के ऊपर, बेल्ट कितने टाइप्स का है तो होता है, उसका लेंथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है वगैरह, तो ये सब और एक क्लास में मैं वीडियो करके लिखा जाऊँगा। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है हमारे पास, एक है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। अदर बेल्ट ड्राइव्स कुछ है, स्टेप्ड ड्राइव, राइट एंगल ड्राइव और क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, तो इम्पोर्टेंट हमारे पास ये दोनों है, ठीक है। और राइट एंगल ड्राइव भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी कभी एग्जाम आ जाता है क्वार्टर टर्न के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव, तो फर्स्ट में जो फिगर आपको दिखाया था बेल्ट ड्राइव का, वो था ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो दो फिगर मैं बाद में लेकर आऊंगा, ओपन और क्रॉस का। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते, क्या है, इन विच द ड्राइवर एंड द फॉलर मूव्स इन सेम डायरेक्शन। दो पुली, जो ड्राइवर पुली है और एक ड्रिवेन और फॉलर पुली है, वो क्या होता है ना, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, आई मीन सेम डायरेक्शन में रोटेट होता है। दिस डिवाइस इज बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, और जो पुली हमारा लगता है उसके अंदर जो दो शाफ्ट यूज होता है, वो शाफ्ट भी पैरेलल ही रहेगा। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट, इन हुच द ड्राइवर एंड द फॉलोअर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डिफरेंस क्या है, ओपन बेल्ट ड्राइव में सेम डायरेक्शन में पुली मूवमेंट करता है, आई मीन सेम डायरेक्शन में पुली घूमता है, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अपोजिट में घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, क्रॉस और पुली ओपन में। नेक्स्ट देखिए, दिस ड्राइव इज ऑल्सो यूज बिटवीन पैरेलल शाफ्ट, तो ये भी हमारा दो शाफ्ट जो यूज होता है वो भी पैरेलल शाफ्ट ही यूज होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका फिगर दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये जो बेल्ट ड्राइव आपके सामने, ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है और ये आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है। क्रॉस डिफरेंस क्या, देखिए ये बेल्ट ओपन है और ये बेल्ट देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया बीच में, तो ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गया और ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेप्ड ड्राइव्स, इट इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियोज पुलिस ऑफ डिफरेंट साइज आर एम्प्लॉयड। देखिए स्टेप्ड मतलब क्या है, हमारे पुली में कुछ स्टेप डिस्टेप रहेगा, आई मीन एक ही शाफ्ट में दो तीन डिफरेंट डिफरेंट पुली रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आएगा। तो देखिए इसका फिगर, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने है स्टेप ड्राइव ड्राइव का जो फिगर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये एक शाफ्ट है और ये भी एक शाफ्ट है, ये ड्राइवर का शाफ्ट ऊपर का ड्राइवर पुली लगा हुआ है, ये ड्रिवन पुली है, ठीक है। तो देखिए ये जो पुली यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक दो तीन थ्री स्टेप है, यहाँ पे भी थ्री स्टेप है, ये ऑपोजिट में है, अगर ये बड़ा डायमीटर है तो इसका ऑपोजिट में छोटा रहेगा, बीच में सेम रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या डायमीटर चेंजेस होता रहेगा इसका रेशियो, तो जिस रेशियो में डायमीटर चेंज होगा उस रेशियो में हमारे क्या होगा, पार्ट ट्रांसमिट होगा। देखिए ये पहले मैंने दे दिया फर्स्ट 1:3, 1:1, 3:1, तो 1:3 ये क्या होगा, हमारा हाई स्पीड आ जाएगा। 1:3 का मतलब क्या है, ये अगर ये वन रोटेट हो रहा है तो ये थ्री टाइम्स रोटेट होगा। नेक्स्ट बीच में क्या है, 1:1, सेम सेम इसका जो पावर रेशियो आएगा सेम आएगा और स्पीड रेशियो भी सेम आएगा। 3:1 में वैसे सेम, हमें 3:1 मतलब क्या है, जो स्पीड हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। पावर का कुछ डिफरेंस आएगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो पावर हमारा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, राइट एंगल ड्राइव, राइट एंगल ड्राइव में क्या है, दिस ड्राइव इज एम्प्लॉयड बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल यूजिंग गाइड पुली। तो एक देखिए, जब हम राइट एंगल ड्राइव यूज करेंगे तो हमारे एक बीच में पुली आएगा, वो गाइड पुली, ठीक है। तो हम कुछ इसके बाद एक क्लास लाएंगे, उसमें हर पुली के बारे में होगा और पुली टोटल्स कितना टाइप्स का होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो सब कुछ लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन दिस
हॉरिजेंटल ड्राइव इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल ड्राइव विद द हेल्प ऑफ द गाइड पुली। देखिए हॉरिजेंटल ड्राइव को हम कन्वर्टेड कर सकते हैं टू द वर्टिकल ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है। हॉरिजेंटल टू वर्टिकल करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ड्राइव है और क्वार्टर टर्न भी हम बोल सकते हैं उसको। तो इन दिस ड्राइव बेल्ट कनेक्शन बिटवीन नॉन पैरेलल शाफ्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने जितना पढ़े हैं उस प्रीवियस में क्या था ना, जो दो शाफ्ट यूज होता था वो पैरेलल होता था, पर राइट एंगल ड्राइव में क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। तो आप इसको फिगर देख रहे हो, ये क्वार्टर टर्न और हमारा जो राइट एंगल है, राइट एंगल ड्राइव का फिगर आपके सामने है। तो देखिए ये जो यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, तो दोनों शाफ्ट का एंगल तो राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक शाफ्ट है, यहाँ पे एक शाफ्ट है, तो एंगल तो देखिए ये शाफ्ट का एंगल हमारा राइट एंगल हो रहा है, और बीच में क्या एक गाइड पुली यूज हो रहा है बेल्ट को गाइड करने के लिए, तो इसमें जो दो शाफ्ट यूज हो रहा है ये पैरेलल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम ये नॉन पैरेलल हो गया। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी रेशियो, इससे हमारा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है हर एग्जाम में, तो ज़्यादातर तो इसरो में हर एग्जाम में तो आता ही है, ठीक है, हर इसरो में देखिएगा एक दो वेलोसिटी रेशियो का रहेगा। डायरेक्ट फार्मूला भी कभी की भी आ जाता है, नहीं तो इसका इसके लिए मैथ्स कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा इसके लिए कुछ प्रॉब्लम लाऊंगा, ठीक है, आज नहीं ला पाया क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं ला पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका आई थिंक कल जो वीडियो अपलोड होगा तो उसमें ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। तो देखते क्या है वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव में। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ड्राइविंग पुली टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ड्राइविंग पुली इन ए यूनिट ऑफ टाइम। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपके सामने देखिए ये फिगर है, तो माने कि ये ड्राइविंग और ड्राइवर पुली है और ये ड्रिवन पुली है, ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स, ये जितना बार घूमेगा उसका और इसका और ये जितना बार घूमेगा ये दोनों का रेशियो हो जाएगा इन यूनिट टाइम, ये टाइम के हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मानिए कि देखिए तो मानिए कि डी ऑन हमने लिया डायमीटर ऑफ द ड्राइवर, जो इसका डायमीटर है ये ड्राइवर है और ड्राइविंग है। डी टू का हमने लिया क्या है, डायमीटर ऑफ द ड्राइवन, ठीक है, ठीक। एन ऑन लिया हमने आरपीएम ऑफ द ड्राइवर, आरपीएम मतलब तो आपको पता है रिवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि हमारे यूनिट पर यूनिट टाइम आया था, जो वो घूमेगा वो कितना यूनिट में, ठीक। वैसे भी एन टू हमारे क्या होगा, आरपीएम ऑफ ड्राइवन आया। सरफेस स्पीड है क्या, पाई डी एन, और इसका भी सरफेस स्पीड हमने लिया क्या, पाई डी डी टू एन टू। देखिए पाई डी ऑन एन, ये क्या पाई डी क्या किया हुआ इसका, हमारा जो आरपीएम उसका पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, टू पाई आर, ठीक है, तो टू पाई आर और पाई टू आर, तो टू आर का मतलब है हमारा डायमीटर, ये डायमीटर ऑलरेडी है, तो इंटू अगर आरपीएम कर देंगे तो उसका सरफेस स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इन वर्ड्स, अगर हम इसको वर्ड्स में अगर ड्राइव करेंगे तो देखिए कैसे, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द ड्राइवन बाय आरपीएम ऑफ द ड्राइवर और रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द ड्राइवर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ड्राइवर बाय डाय ऑफ द ड्राइवर। तो ये उसका इन वर्ड्स में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन करके देखिए, सॉरी ड्राइव कैसे करेंगे देखिए, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू पाई डी टू बाई पाई डी वन इक्वल टू एन वन बाई एन टू। देखिए जो हमारा ये डी टू बाई डी वन, ये क्या है, पाई क्यू लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो सरफेस स्पीड होता है, ठीक है, और एन ऑन एन टू देखिए हमारा क्या है, टू पाई आर होता है उसका पेरीमीटर, ठीक है, तो टू आर इज इक्वल टू हमारा क्या डायमीटर हो गया, तो पाई डी हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी कुछ कुछ कैलकुलेशन में क्या आता है, ऑलरेडी पाई का वैल्यू पाई वहाँ पे नहीं देते, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कट जाता है, इसलिए पाई नहीं, डायरेक्ट हमारा क्या करते हैं, डी टू बाई डी वन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ओनली पार्टिकुलर अगर किसी का सरफेस स्पीड लाना है, माने कि सिंगल पुली का सरफेस स्पीड कितना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टू पेयर को तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका ओनली सरफेस स्पीड कैलकुलेशन करना है, नहीं तो ये जो हमारा ओनली वेलोसिटी रेशियो में तो क्या होगा, पाई ऑलरेडी कट हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारा डायमीटर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हुआ, डी टू एन टू इक्वल टू डी ऑन एन ऑन, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डी टू एन टू इक्वल टू डी ऑन एन, तो ये टोटल इसका डिराइव है आप लोग ऑलरेडी। तो देखिए फाइनल जो हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का, ये है एन टू बाई एन ऑन इक्वल टू डी वन बाई डी टू, और डी टू बाई डी वन
इक्वल टू n1 बाई n2। तो ये जो दो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने के बाद यहाँ पे आया है, तो ये कब होगा, कब काम करेगा? इफ देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। अगर बेल्ट एंड पुली के अंदर कोई भी स्लिप नहीं होगा, 100% वो पावर ट्रांसमिट करेगा, 100% वो रोटेट होगा, तभी ये फॉर्मूला वहाँ पे एग्जैक्टली काम आएगा। ठीक है, अगर देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली, अगर स्लिप होगा तो हम उस केस में क्या, देखिए फ्रेंड्स, अगर स्लिप हो जाएगा तो क्या करेंगे, इफ स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली, तो वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कुछ चेंजेस आ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए सेम फार्मूला तो वही है, N2 बाई N1 इक्वल टू D1 बाई D2, जस्ट 1 माइनस S बाई 100। S का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ द स्लिप। तो ये जो एक फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसके जितना सारे फार्मूला आ रहा है तो उसके बेसिस में एक कितना सा ज़्यादा नहीं, 10 या तो 15 अगर मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर नहीं, 10 से 15 अगर हो जाए तो पूरा जितना सारे एग्जाम में आता है उसी के अंदर ही आ जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये थिकनेस ऑफ बेल्ट इज कंसिडर। अगर थिकनेस हम कंसिडर करेंगे बेल्ट का थिकनेस करेंगे तो क्या होगा, पुली का डायमीटर बढ़ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वही सेम N2 बाई N1 इक्वल टू D1 बाई D2, बस प्लस हमारा क्या आएगा, ऐड होगा टी, टी का टी थिकनेस ऐड होगा तो क्या होगा, डायमीटर का डायमीटर बढ़ जाएगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, आपका जो आज का जो सेशन है यही है, और मैं ऑलरेडी नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्लिप कैसा होगा, क्रीप कैसे रहेगा, वो सारे आपको समझाऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी लेकर आऊँगा। आई थिंक 10 से 15 कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रहेगा, इसे हमारा वेलोसिटी रेशियो लेके, सरफेस स्पीड लेके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जितना सारे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल, तब तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल प्रिपरेशन हो रहा है, तो प्लीज़ सभी को थोड़ा शेयर करने के लिए बोलो। और अगर देखो आप अगर लाइक कर रहे हो, कुछ सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे भी क्या होगा, कुछ वीडियो बनाने के लिए इच्छा बढ़ेगा, और कुछ इससे भी अच्छा अच्छा क्लास में लेकर आऊँगा, वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको तो पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरा कोरोना के वजह से, तो अब तो घर पे बैठा हूँ, तो अभी ट्राई कर रहा हूँ हर रोज़ एक एक क्लास लाने के लिए, पर जब ड्यूटी शुरू हो जाएगा मेरा तो मैं ऐसे भी करके दिन में एक वीडियो तो लेके ही आऊँगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है इसरो का, और अभी तो इसरो का एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद शायद और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होने वाला है, तो दिल्ली मेट्रो तो हर साल निकलता ही है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो जॉब मिलना आपके लिए कन्फर्म है। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो, और पढ़ना क्या है, पूरा डिटेल से और डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ के चला जाऊंगा, नहीं तो आप खाली बलवीर सिंह पढ़ के चला जाऊंगा, तो आपका जॉब होना थोड़ा चांसेस कम होगा, क्योंकि आपको कंपटीशन करना है, क्योंकि लाखों लड़का एग्जाम देगा, तो उस वहाँ से आपको टॉप रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं पढ़ा था, तो ही आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।